हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान आप बार बार सिंडिकेट का नाम सुनते होंगे। ये आरोप लगता रहा है कि सिंडिकेट के जरिए ही कट मनी ली जाती थी, और इस ऑडियो टेप में भी इसी बात का जिक्र है कि 2011 में ममता सरकार बनने के एक डेढ़ साल के भीतर ही सिंडिकेट बन गए थे। और जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं, अशोक मिश्रा बांकुड़ा में पुलिस इंस्पेक्टर है, इसका भी बाकायदा इसमें जिक्र आ रहा है। विनय मिश्रा अभिषेक बनर्जी के बेहद खास आदमी है, इन्हीं के द्वारा ये पैसा जो है सीधे अभिषेक बनर्जी तक पहुंच रहा था, 15 से 20 करोड़ रुपए पहले, ये सब बताया गया, और फिर आजकल 35 करोड़। और मैडम जो है धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ देखती रही, ये तमाम बातें, ये दो शख्स, एक गणेश बागड़िया है जो कि बेहद खास है, अनूप मांझी का जो कि कोल माफिया में जिस आरोपी है उसके बेहद करीब ये शख्स है, जिसकी बात एक सरकारी ऑफिसर से हो रही है। इसमें सिंडिकेट का जिक्र है, अशोक और विनय ये दो नामों का जिक्र है। आपको बता दें, विनय मिश्रा वो शख्स है जो अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी है। 15 से 20 करोड़ रुपए कैसे पहुंचाए जा रहे थे, और फिर आजकल वो सम 35 करोड़ हो गया। तो इस ऑडियो टेप में रिश्वत को पॉलिटिकल बॉस तक पहुंचाने का जिक्र है, इस बात का जिक्र है कि कैसे बंगाल में सिंडिकेट ऑपरेट करता है, कौन कौन इस सिंडिकेट में शामिल है, किस किस के जरिए पैसा कहां तक पहुंचता है, यह सब कुछ इस टेप में शामिल है। और दावा यही किया जा रहा है कि यह पैसा पहुंचाया जाता है अभिषेक बनर्जी तक। तो वो फिर कैसे फंड का ट्रांसमिशन कैसे करता था? तो वो कहानी नहीं आप लोग को पता है? कहानी तो बताया होगा ना किसी ने? नहीं बताया होगा, लेकिन उतना मेरे को याद नहीं है। लेकिन सर तो अपना कोर ग्रुप रहता है ना सर, हाँ वो बातें बाहर नहीं आ पाती। अच्छा, लेकिन फिर भी चूंकि अब इन सबसे इन्वॉल्व हुए तो पता नहीं चलता है कि उनका फंडिंग कैसे जाता था वहाँ, पॉलिटिकल जो फंडिंग। विनय के थ्रू शुरू से विनय ही देख रहा है शुरू से ही विनय देख रहा है। कब से? टीएमसी गवर्नमेंट आई है उसके समय लीजिए 1.5 साल बाद से चालू हो गया था। हाँ हाँ, 12-13 से चालू हो गया। हाँ हाँ, आखिर कौन है विनय जिसका बार बार इसमें जिक्र किया जा रहा है? ये बात इस टेप में है कि विनय के जरिए ही सारा पैसा पहुंचाया जाता है, और जिक्र है उस सिंडिकेट का जो ऑपरेट करता है, कैसे ऑपरेट करता है, सिंडिकेट के जरिए ही कट मनी ली जाती थी। और इस ऑडियो टेप में इस बात का जिक्र है कि 2011 में ममता सरकार बनने के एक डेढ़ साल के भीतर ही सिंडिकेट बन गए थे। और इस ऑडियो टेप में यह भी जिक्र है कि किस तरह से एक पॉलिटिकल बॉस तक यह पैसा पहुंचाया जाता था, यह रिश्वत का पैसा पहुंचाया जाता था। अशोक मिश्रा का जिक्र है, विनय मिश्रा का जिक्र है। विनय मिश्रा आपको बता दें, यह अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी शख्स है, और 15 से 20 करोड़ सम का जिक्र है, और जो बाद में बढ़कर अब 35 करोड़ तक यह पैसा पहुंचाया जा रहा था। बाकायदा रिश्वत के पैसे किस तरह से पॉलिटिकल बॉस तक पहुंच रहे थे उसका इस टेप में जिक्र है। अशोक मिश्रा, विनय मिश्रा, ये दो शख्स का नाम बार बार इस ऑडियो टेप में आ रहा है। गणेश बागड़िया ये वो शख्स है जो कि अनूप मांझी का बेहद करीबी है। इसके बीच में और एक सरकारी ऑफिसर के बीच में ये बातचीत हो रही है इस टेप के अंदर। तो वो फिर कैसे फंड का ट्रांसमिशन कैसे करता था? तो वो कहानी नहीं आप लोग को पता है? कहानी तो बताया होगा ना किसी ने? नहीं बताया होगा, लेकिन उतना मेरे को याद नहीं है। लेकिन सर तो अपना कोर ग्रुप रहता है ना सर, हाँ वो बातें बाहर नहीं आ पाती। अच्छा, लेकिन फिर भी चूंकि अब इन सबसे इन्वॉल्व हुए तो पता नहीं चलता है कि उनका फंडिंग कैसे जाता था वहाँ, पॉलिटिकल जो फंडिंग। विनय के थ्रू शुरू से विनय ही देख रहा है कब से? टीएमसी गवर्नमेंट आई है उसके समय लीजिए 1.5 साल बाद से चालू हो गया था। हाँ हाँ, 12-13 से चालू हो गया था। हाँ हाँ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब